आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। झारखंड में दो सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में भाजपा अपने पुराने प्रत्याशियों पर ही दांव लगाएगी, यह तकरीबन तय माना जा रहा है। दुमका से लुईस मरांडी का नाम पहले से ही तय माना जा रहा था। दुमका सीट को लेकर कोई विवाद ही नहीं है, लुईस मरांडी के नाम पर एक मत से सभी सहमत हैं। प्रदेश के अधिकांश नेता लुईस मरांडी के पक्ष में हैं। सिर्फ भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा औपचारिक घोषणा करना शेष है। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति प्रत्याशियों की घोषणा आज कर देगी। 2014 के विधानसभा चुनाव में लुईस मरांडी ने झामुमो के कद्दावर नेता और सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पटकनी दी थी और मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन चुनाव हार गए थे। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। गुजरे हैं, कोरोना का काल पार हुआ, अभी पूरा पार नहीं हुआ है। इस कोरोना काल में भी समय समय पर गांव-गांव जाके हम कार्यकर्ताओं से मिले हैं और उनके हाल चाल हम लेने का प्रयास किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए कोरोना काल में कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए हर तरह का उन्होंने व्यवस्था कर दिया। उन्होंने हम लोगों को डबल डबल चावल दिया, उन्होंने हम लोगों को जनधन खाता में पैसा भेजा, उन्होंने हम लोगों को उज्ज्वला गैस खाता में पैसा भेजा, उन्होंने हम लोगों को किसान सम्मान निधि में पैसा भेजा, ताकि हमारे जनता, दुमका के जनता मोदी जी के हैं और वो किसी तरह के परेशानी में ना आए।